हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हाउ डू आई गेट अनरेडी। आपको तो पता है मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ और मुझे रोज मेकअप लगाना पड़ता है फॉर माय शूट्स। सो आई थॉट आई विल टेल यू माय ऑनेस्ट स्किन केयर रूटीन। लेट्स डू दिस, लेट मी शो यू हाउ आई गेट अनरेडी। तो टू स्टार्ट विथ, सबसे पहले तो इयररिंग्स निकाल लेते हैं, बहुत मेरे तो कानों की बैंड बच गई है। सेकेंडली, आई एम गोइंग टू रिमूव माई लेंसेज, सो टू मेक श्योर कि आपके ना हाथ वाथ अच्छे से क्लीन हो बिफोर यू रिमूव योर लेंसेज इफ यू आर वेयरिंग वन। सिंस आई एम वेयरिंग वन, तो मैंने सोचा कि मैं रिमूव कर लेती हूँ, इट्स बेटर दैट वेज। एंड आपका जो लोशन है ना, आपका जो लेंस लोशन, उसे भी अच्छे से क्लीन कर लेना, पुट अ न्यू वन, एंड जस्ट लाइक दैट आई एम रेडी टू डू माई स्किन केयर। सो मेरे पास रबर बैंड नहीं है अभी, आई डोंट नो मैंने अपना कहाँ रख दिया स्क्रंची, तो मैं हेयर बैंड लगा लेती हूँ। और अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना ऑनेस्ट स्किन केयर, लाइक हाउ आई एम गोइंग टू डू माई स्किन केयर। आई एम अ बिग फैन ऑफ बायोडर्मा माइसिलर वाटर। एज यू गाइज मस्ट हैव नोटिस कि मैं अपनी वीडियोज में माइसिलर वाटर बहुत ज़्यादा यूज करती हूँ। वाई ऑल्सो बिकॉज इट इज लाइक रियली गुड फॉर योर ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन, एंड आई हैव बोथ। तो मैं ड्राई और सेंसिटिव स्किन के लिए ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स नहीं करती हूँ। आई रियली प्रिफर माई माइसिलर वाटर टू बी सिंपल एंड क्लीन। सो आई एम गोइंग टू यूज बायोडर्मा का माइसिलर वाटर फॉर यू ऑल हेयर। सो चलो फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसको यूज़ कैसे करना है, इट्स वेरी सिंपल टू यूज़। तो मैंने कॉटन पैड लिया है और मैं थोड़ा सा बायोडर्मा डालूंगी अपने कॉटन पैड पे, एंड देन आई एम गोइंग टू रिमूव माई मेकअप स्लोली। कैन यू सी all my makeup is coming out in my cotton. For this next step, I am going to use this micellar cleanser by Bioderma. It is very light on your skin. All you have to do is just take a pea size of the cleanser, take some water and just clean your face and even eyes. You can, it's so sensitive ki aap apni eyes bhi isse clean kar sakte hain. And then just wash it with water. For the next step, I am going to use Bioderma's toner. This is great for toning, hydrating and soothing your skin. And mujhe aisa lagta hai ki toner istemal karna bahut hi important hota hai. So I'm gonna go ahead and use the toner, taking some cotton here. You can also dab it, like, you know, on your skin. I like to dab it with cotton. It's something I like. बट अगर आपको दूसरा तरीका जानना है तो यू कैन जस्ट टेक सम ऑफ द टोनर एंड जस्ट डैब इट ऑन योर स्किन, वो भी ठीक रहता है। आई एम गोइंग टू एंड माई स्किन केयर रूटीन विद अ मॉइस्चराइजर। वैसे मैं मॉइस्चराइजर चेंज करती रहती हूँ, देर इज नो फिक्स मॉइस्चराइजर, इसीलिए आई एम नॉट गोइंग टू शो यू विच वन आई एम यूजिंग, बट यू कैन यूज वट एवर इज सूटेबल फॉर योर स्किन। आई हैव अ वेरी ड्राई स्किन, सो आई ट्राई टू यूज अ जेल बेस्ड और वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर विच वर्क्स आउट फॉर मी। एंड दैट्स इट गाइज, दिस वॉज माई स्किन केयर रूटीन आफ्टर द शूट। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स वॉट यू थिंक ऑफ माई स्किन केयर रूटीन एंड ट्राई बायोडर्मास अमेजिंग रेंज। यू कैन यूज कोड बायोडर्मा5 to get discount. Isn't that great? So grab yours today.